दोस्तों, ये जो आप मिक्स मटेरियल देख रहे हैं, मैं अभी इसकी आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो मैं इधर से शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये जो टूल आप देख रहे हैं, ये एक मल्टीपर्पस टूल है। हम इससे कई अलग अलग तरह के नट बोल्ट्स को खोल सकते हैं। ये आयरन से बना हुआ है, बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है। देखिए, ये मल्टीपर्पस टूल। और ये जो आप टूल देख रहे हैं, ये नेल आर्ट में काम आता है। देखिए, स्टेनलेस स्टील का है। देखिए, इसकी जो नोक की बनावट है, नेल आर्ट में यूज होता है। और ये देखिए, ये है पेपर स्टंप्स, जो कि स्केचिंग शेडिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये नॉर्मल पेपर स्टंप्स हैं, जो कि ब्राउन पेपर को फोल्ड करके और ग्लू से चिपका कर बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नॉर्मल पेपर स्टंप्स हैं ये, स्मॉल साइज में, ये बिग साइज में। और ये जो पेपर स्टंप्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में, देखिए, दिखने में बिल्कुल फोम जैसे लगते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कागज की लुगदी से ही तैयार हुए हैं। अलग अलग साइज में ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। छोटे और बड़े और मोटाई के हिसाब से अलग अलग साइज में अवेलेबल है। और दोस्तों, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क में भी यूज होता है, कई तरह के क्राफ्ट वर्क में यूज होता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसके आगे जो ये सर्कुलर जो ये व्हील लगाया गया है, इसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल दांतेदार हैं। देखिए, ये इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दांतेदार, जब इसका ये व्हील चलता है तो एक डॉटेड लाइन बना देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी बनावट पीछे, ये रेड प्लास्टिक का हैंडल है। और ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अलग अलग बॉक्सेस में हम बहुत बारीक जो सामान होता है, छोटे छोटे बारीक बारीक नट या जो बीट्स होते हैं, मोती वगैरह, वो हम इनमें अलग अलग रख सकते हैं। जो कंटेनर है, देखिए, ये देखिए, बीच में से ये जगह बिल्कुल ये खाली है, और ये बीच में से इसके ढक्कन इस तरह ओपन होते हैं। ये देखिए, सातों के सातों अलग अलग, हर कंटेनर में हम अलग अलग सामान रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, ये फ्लावर जैसी शेप में लगता है खोलने के बाद, और फिर हम इसे बंद कर सकते हैं। ये देखिए, मिनी कंटेनर, 7 पीसेस। और ये क्रोशिए हुक है, जो कि सिलाई में बहुत ही काम आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रोशिए के हुक्स हैं। देखिए, ये मोटाई के हिसाब से अलग अलग नंबर में अवेलेबल होते हैं। और ये दोस्तों, ये है पेंसिल एक्सटेंडर्स। जब हम काम करते करते हमारी पेंसिल जब छोटी हो जाती है, तो हम उस छोटी पेंसिल को इसमें डाल के, और ये जो छल्ला जो है इसमें, इसको ऊपर करते उसे टाइट कर सकते हैं, और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी पेंसिल एक्सटेंडर हैं, सेम साइज में ही है। और ये देखिए दोस्तों, ये है रोलर, ट्रांसपेरेंट रोलर है। ये सॉलिड भरा हुआ है प्लास्टिक से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। देखिए, कई तरह के कामों में रोलर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि
जो लिनो कटिंग का वर्क होता है उसमें भी रोलर का इस्तेमाल होता है, और भी कई बार कई काम ऐसे हैं क्राफ्ट के जिनमें हम रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्लास्टिक रोलर है, ट्रांसपेरेंट। ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये रबड़ रोलर है, देखिए रबड़ रोलर, ये रबड़ से बना हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से रबड़ से बना हुआ। और ये मिनी साइज में है, ये भी रबर से बना हुआ, ब्लैक रबर से, छोटे काम के लिए छोटा रोलर। ये देखिए, तो आपने तीन अलग अलग साइज में ये रोलर्स देखे। और अब ये देखिए, ये जो है ये लेवल चेकर है, ये लेवल चेक करने के लिए, जिस तरह से आप इस वक्त टेबल का लेवल देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये अभी पूरी तरह से लेवल में नहीं है, झुकाव जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। ये इसमें जो ये बबल है, तो ये दो लाइंस लगाई गई है यहाँ पर लेवल चेक करने के लिए। ये फ्रूट कार्विंग टूल है, जो कि फल सब्जियों पर उन्हें डिजाइन में कटिंग करने के लिए ये काम आता है। और ये लेवल चेक करने के लिए वर्टिकल जो लेवल होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का जो लेवल चेक करते हैं, ये उस लेवल को चेक करने के लिए पूरी तरह से अंदर तक सॉलिड, बहुत ही हैवी है। ये पीतल धातु से बना है, ब्रास मेड है। ये धागे को पूरा खोलकर और हम इस तरह से इससे लेवल चेक कर सकते हैं दीवार का भी या किसी और चीज का भी, कि वो वर्टिकल लेवल में 90 डिग्री पर है या नहीं है। ये देखिए, बहुत ही शानदार लुकिंग के साथ पूरी तरह से पीतल से भरा हुआ है ये अंदर तक, इसीलिए हैवी है। और दोस्तों ये देखिए, ये एक नोटपैड है, एप्पल की शेप में है। जब ये खुल जाता है तो पूरी तरह से एप्पल की शेप में आ जाता है। ये देखिए, इसमें साथ में ये एक पिन भी दी गई है। जैसे ही हम इसे यूज करने के लिए यूज खोलते हैं, इसमें ये पेजीज है। ये देखिए, आप जब हम इसे पूरा यूं ओपन कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरी तरह से एक एप्पल की शेप में आ जाती है किताब, एप्पल की शेप में। और जब हम इस पर कुछ लिखेंगे तो पेजीज भी इसके अंदर से एप्पल की शेप में ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये एप्पल नोटपैड है। ये कार्ड होल्डर है, ये लेदर में है, नीचे से ये स्टील है कार्ड होल्डर। ये एयर पंप है, मिनी एयर पंप। कई बार हम जब कोई एनग्रेविंग का वर्क करते हैं और जब बारीक बारीक हम किसी चीज को कुरेदते हैं, तो जो भी वेस्टेज जो नीचे निकलता है, तो उसको हटाने के लिए उस एरिया को, ताकि हमारा वर्क प्लेस जो है वो क्लियर रहे, ये कई छोटे मोटे कामों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये मिनी साइज का एयर पंप है, आगे ये आयरन से बना हुआ है और पीछे ये सारा रबर से बना हुआ है। ये देखिए, ये पीछे इसका क्रॉस पॉइंट है। ये सिलिकॉन फोंडेंट टूल्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें अंदर की तरफ ये एक गुलाब के फूल की शेप दिखाई गई है। हम किसी भी तरह का कोई मटेरियल इसमें फिलअप करके, कोई भी जिस तरह से क्ले मिट्टी या कोई और मटेरियल इसके अंदर फिलअप करके, उसके जब जम जाने पर हम जैसे ही सांचे को बाहर निकालेंगे तो बिल्कुल गुलाब की शेप बन जाएगी। ये सिलिकॉन टूल्स है। ये रबर के बालों की ये एक ब्रश है, पीछे प्लास्टिक हैंडल है। ये पीएच बैलेंस के कार्ड्स हैं, किसी भी केमिकल का वैल्यू और रिएक्शन चेक करने के लिए ये पीएच बैलेंस का कार्ड है केमिकल्स के लिए। ये स्नो स्प्रे बोतल है, इसकी नोजल को दबाते ही येलो कलर का
जो झाग निकलते हैं, स्प्रे निकलता है, स्नो स्प्रे येलो कलर में, और सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक सिंपल टूल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्प्रे करने के लिए कोई छोटी सी शीशी लेकर कांच की, उसमें रंग डाल के और इसका ये हिस्सा उसमें यूं डुबो के, और जैसे ही हम इसमें पीछे से मुंह के जरिए हवा मारते हैं तो आगे से उस कलर का जो है वो स्प्रे निकलेगा। बहुत ही इजी टू यूज है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टूल एक मिनी टूल स्प्रे पेंटिंग के लिए। तो दोस्तों, जितने भी प्रोडक्ट्स ये आपके सामने रखे हैं और इनकी जो मैंने जानकारी दी है, उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।